श्रेया मासूमियत से कहती है, मैंने क्या किया? रियांश अपनी लाल हो चुकी आंखों से श्रेया की आंखों में देखते हुए कहता है, कल रात कहाँ थी तुम? रियांश का सवाल सुनकर श्रेया खामोश रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती। रियांश को एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन श्रेया डर से कांप रही थी। रियांश श्रेया के पीछे वॉल को जोर से मारते हुए कहता है, अगर मैं कल तुम्हें ढूंढने बाहर नहीं गया होता तो। ये कहते हुए रियांश की आंखें हल्की नम थीं। श्रेया रियांश की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या आपको डर लग रहा है? श्रेया का सवाल सुनकर रियांश चौंक जाता है और श्रेया को हैरानी से देखने लगता है। श्रेया रियांश के गले में अपना हाथ डालकर उसे अपनी पूरी ताकत से हग कर लेती है। श्रेया के इस मूव से रियांश हैरान रह जाता है और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। रियांश को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। श्रेया कभी भी उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करती थी। कुछ देर बाद रियांश होश में आता है। उसे एहसास होता है कि श्रेया ने अभी भी उसे हक किया है। रियांश का दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगता है। श्रेया का इतने करीब होना रियांश को बेचैन कर रहा था। तभी उसे कल रात का वो इंसिडेंट याद आता है जब उसके हाथों किसी की मौत हुई थी। उस पल को याद करके रियांश की आंखें फिर से कठोर हो जाती हैं और वो श्रेया के आर्म्स को खुद से दूर करने के लिए पकड़ता है। इससे पहले रियांश श्रेया को खुद से दूर कर पाता, उसे श्रेया की आवाज सुनाई देती है, बस 30 सेकंड और। ये सुनकर रियांश कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया क्या करने की कोशिश कर रही है। रियांश बड़ी सख्ती से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? श्रेया रियांश को हक किए हुए कहती है, सिस्टर मैरी कहती है अगर किसी को डर लग रहा हो तो उसे 2 मिनट तक जोर से हक कर लेना चाहिए, फिर उसका डर चला जाता है। श्रेया का जवाब सुनकर रियांश चौंक जाता है। रियांश इस वक्त भले ही बाहर से गुस्से में लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ था। वो कभी किसी की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन कल फिर से उससे वही गलती हो गई थी। रियांश को बार बार समायरा का उसे खुद से दूर करना याद आ रहा था और उस पल को याद करके रियांश को एक अजीब सा डर लग रहा था। रियांश अपनी उन फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। श्रेया अपनी बात पर जोर देकर कहती है, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन आप अभी डर रहे हो। रियांश कहता है, और ये तुम्हें कैसे पता? श्रेया फौरन कहती है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। श्रेया का जवाब सुनकर रियांश भी श्रेया को अपनी बाहों में ले लेता है। रियांश के ऐसा करने से श्रेया चौंक जाती है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। रियांश ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी बंद आंखों से आंसू के कुछ बूंद बाहर आ रहे थे। रियांश श्रेया को अपनी बाहों में लिए हुए कहता है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। रियांश की आवाज में अफसोस था। ये सुनकर श्रेया कहती है, तो फिर आपकी गलती से जिसका नुकसान हुआ है उसे आप सॉरी बोल दो। रियांश अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, मैंने जो किया है उसकी माफी नहीं होती। श्रेया अपने सामने दीवार को देखते हुए कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, तो फिर आप खुद से प्रॉमिस कर लो कि फिर से वो गलती नहीं करोगे। रियांश अपने मन में कहता है, काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन ये कभी मेरे कंट्रोल में नहीं होता और जो मैंने किया है वो गलती नहीं क्राइम है। रियांश यही सोच रहा था तभी उसे एहसास होता है कि श्रेया उसकी बाहों में हड़बड़ा रही है। रियांश कहता है, क्या हुआ? श्रेया इरिटेट होकर किसी बच्चे की तरह कहती है, सॉरी मुझे 2 मिनट हो गए हैं। श्रेया का जवाब सुनकर रियांश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो श्रेया को छोड़कर 2 कदम पीछे हो जाता है। श्रेया अब भी काफी मायूस लग रही थी। वो एक बार रियांश को देख रही थी और एक बार अपने कपड़ों को। श्रेया अपना मुंह बनाकर रियांश से कहती है, आप जाकर नहा लीजिए। तभी रियांश को एहसास होता है कि इस ठंड में भी वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। रात से रियांश पंचिंग बैग को लगातार मार रहा था। रियांश देखता है कि उसे हक करने की वजह से श्रेया के कपड़े भी काफी हद तक भीग गए थे। इसी वजह से श्रेया का मुंह फूला था। श्रेया उदासी के साथ अपने कपड़ों को देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ये कहकर श्रेया धीरे धीरे चलते हुए जिम से बाहर चली जाती है। ये देखकर अनजाने में ही रियांश के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। अगले ही पल वो स्माइल रियांश के चेहरे से गायब भी हो जाती है। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे श्रेया से दूर ही रहना होगा, कहीं अपने पागलपन में मैंने उसे भी
इससे आगे रियांश कुछ नहीं कहता। दरवाजे की तरफ देखते हुए रियांश के दिमाग में एक सवाल आता है। वो फौरन अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करता है। कॉल आंसर होने पर रियांश बड़ी सख्ती से कहता है, क्या कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? मोबाइल से रियांश के सिक्योरिटी चीफ की घबराई हुई आवाज आती है। ये सुनकर रियांश समझ जाता है कि सिक्योरिटी चीफ जरूर कल रात के बारे में कुछ जानता है। वो गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरे सामने आकर ये सब बताना चाहते हो? सिक्योरिटी चीफ इतनी बड़ी लापरवाही के बाद रियांश को फेस नहीं कर सकता था। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं कैसे कल रात श्रेया, यश और सृष्टि घर से बाहर चले गए थे। रियांश इरिटेट होकर कहता है, ये मैं जानता हूँ, आगे बताओ। सिक्योरिटी चीफ कहता है, सर कुछ घंटे बाद मिस्टर विराज दीवान उन्हें यहाँ छोड़ने आए थे। ये सुनते ही रियांश की पकड़ उसके मोबाइल पर और मजबूत हो जाती है। रियांश कॉल कट करके कहता है, विराज दीवान? दूसरी तरफ विराज अपने ऑफिस में बैठा था। उसका सर चेयर पर टिका था और उसकी आंखें बंद थी। इस वक्त विराज के दिमाग में कुछ विजुअल्स चल रहे थे। विराज देखता है कि वो सिंघानिया मेंशन के तहखाने में था और बड़े गौर से अपने आसपास देख रहा था। इसके बाद उसके दिमाग में कल रात का सीन चलने लगता है। विराज सिंघानिया मेंशन के बाहर बहुत गुस्से में खड़ा था। उसका हाथ खून से भीगा था और वो जंगल की तरफ देख रहा था। तभी विराज को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही विराज समझ जाता है कि वो आवाज श्रेया की है। ये समझते ही विराज तेजी से सिंघानिया मेंशन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि यश और सृष्टि कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। ये देखकर कि उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी है, विराज वहां श्रेया को ढूंढने लगता है। तभी विराज को श्रेया की चीख फिर से सुनाई देती है। विराज बिना देर किए उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। वो आवाज एक कमरे से आ रही थी। जैसे ही विराज उस कमरे के बंद दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी नजरें दरवाजे के एक किनारे लटके लाल धागे पर जाती है। वो धागा काफी मोटा था और उस पर धूल की परत जमी हुई थी। ये वही धागा था जो सालों पहले गलती से सुहानी से खुल गया था। विराज एक नजर उस धागे को देखता है और अगले ही पल उस दरवाजे को लात मार देता है। विराज के ऐसा करते ही वो दरवाजा टूट जाता है और विराज फौरन अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही विराज देखता है कि श्रेया दीवार से सटकर खड़ी है और उसके ठीक सामने एक अजीब सा जीव खड़ा है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, फिर भी श्रेया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। श्रेया की आंखें तो बंद थी, लेकिन उसे अपने ठीक सामने किसी भयानक चीज के होने का एहसास हो रहा था। ये देखते ही विराज की आंखें लाल हो जाती है और वो बिजली की रफ्तार से श्रेया की तरफ बढ़ता है। इससे पहले विराज उस तक पहुंच पाता, वो प्रेत काले धुएं में बदल कर वहां से गायब हो जाता है। विराज हैरानी से अपने आसपास देखता है, लेकिन अब ना उसे कुछ दिख रहा था और ना ही कुछ महसूस हो रहा था। तभी विराज को श्रेया की सिसकियां सुनाई देती हैं। वो फौरन पीछे मुड़ता है और श्रेया के हाथों को पकड़ कर कहता है, तुम ठीक हो? विराज के छूते ही श्रेया जोर से चीख पड़ती है। विराज कहता है, अब सब ठीक है, तुम बिल्कुल सेफ हो। कमरे में अंधेरा होने की वजह से श्रेया कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे अपने सामने उस प्रेत का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि जो एनर्जी श्रेया फील कर रही थी वो काफी जानी पहचानी थी। श्रेया घबराते हुए कहती है, विराज सर। श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनकर विराज चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरे में श्रेया उसे कैसे पहचान गई। श्रेया आगे बढ़कर विराज का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत डरावना है। श्रेया के छूने पर विराज को एहसास होता है कि श्रेया डर से कांप रही है। उस अंधेरे में भी विराज श्रेया को साफ देख पा रहा था। श्रेया का चेहरा डर से लाल हो गया था। वो विराज के हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए अपने आसपास कुछ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। विराज श्रेया के चेहरे पर डर साफ देख पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन श्रेया को इस तरह डरते देख विराज को बहुत बुरा लग रहा था। वो श्रेया के सर पर अपना हाथ रखता है और उसे हग कर लेता है। विराज ये ऐसा करते ही श्रेया भी उसे जोर से पकड़ लेती है। श्रेया चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। श्रेया के पास होने पर विराज को एक अजीब सी खुशी हो रही थी। उसे श्रेया से काफी जानी पहचानी सी वाइब आ रही थी। विराज श्रेया के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, अब डरो मत, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। श्रेया अपना सिर विराज के सीने में छुपाए हुए कहती है, वो बहुत डरावना है। विराज कहता है, देखो अब वो जा चुका है। ये कहकर विराज अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है
और उसकी फ्लैश लाइट जला देता है। अपने आसपास रोशनी देखकर श्रेया विराट से अलग होती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। श्रेया को मुस्कुराते देख विराज की आंखों में भी चमक आ जाती है। ये सोचते हुए विराज अपनी आंखें खोल लेता है। वो कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, उसे अपना मकसद पूरा करने का दूसरा जरिया मिल गया है। क्या इसका मतलब श्रेया से था? उस साई ने पहले भी श्रेया पर अटैक किया था, तो क्या श्रेया ही मेरी? ये कहते हुए विराज खामोश हो जाता है। उसका चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन वो ही जानता था कि उसे कितनी बेचैनी हो रही थी। यही सोचते हुए विराज की नजरें सामने रखी कुछ बुक्स पर जाती है। वो किताबें काफी पुरानी और फटी हुई थी। उसके काफी हिस्से को दीमक खा गया था। विराज को वो किताबें सिंघानिया मेंशन से मिली थी। उन किताबों को देखते हुए विराज कहता है, तो इस बुक के हिसाब से सिंघानिया मेंशन के तहखाने से विशिंग वेल तक जाने का रास्ता है। अगर ये सच है तो फिर वो रास्ता किसने बनवाया होगा, और ये सिंघानिया मेंशन किसका होगा? कुछ देर सोचने के बाद विराज आगे कहता है, उस घर को नाना ने नानी के लिए खरीदा था, और मोम भी बचपन से वहां रहती थी। आखिर ऐसा क्या था उस मेंशन में कि नानी खुद को इसे खरीदने से रोक नहीं पाई? मुझे भी ऐसा क्यों लगता है कि ये मेंशन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? विराज यही सब सोच रहा था, तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुलता है। विराज फॉरन डेस्क पर रखी उन किताबों को ड्रॉअर में गिरा देता है। दरवाजा खुलते ही अंतरा ऑफिस के अंदर आ जाती है। हमेशा की तरह आज भी वो गुस्से में लग रही थी। विराज बिना किसी भाव के कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, मुझसे मिलने के लिए महीनों तक अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करना पड़ता है। अंतरा डेस्क पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से में कहती है, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुमने उसे क्यों मारा? जानते हो उसकी हालत कितनी खराब है? किसकी बात कर रही है अंतरा, और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है इस कहानी में? आगे जानने के लिए सुनते रहिए। अंतरा की बातें सुनकर विराज को फिर से वही मोमेंट याद आ जाता है जब वो सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ा था और उसके हाथों में खून लगा था। विराज अनजान बनते हुए कहता है, मैंने किसे मारा? अंतरा गुस्से से विराज को घूरते हुए कहती है, तुम अच्छे से जानते हो मैं एसपी समर सिंह की बात कर रही हूँ। इस वक्त उसकी जो हालत है वो सिर्फ तुम कर सकते हो। ये सुनकर विराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो अंतरा को देखते हुए कहता है, तो तुम उसे भी जानती हो, लेकिन ये तुमने मुझे नहीं बताया। अंतरा विराज से अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती, जो पता करना है खुद कर लो। विराज बड़े आराम से अपनी चेयर से उठता है और अंतरा से कहता है, क्या कुछ दिनों से तुम अपने किसी दोस्त से बात नहीं कर पा रही हो? ये सुनते ही अंतरा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो सवालिया नजरों से विराज को देखती है। विराज शांत चेहरे के साथ आंखों में चमक लिए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करा सकता हूँ। काफी दिनों से अंतरा गौरव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। वो गौरव को लेकर काफी परेशान थी। विराज की बातें सुनकर अंतरा को समझने में देर नहीं लगती कि गौरव को विराज ने ही गायब किया है। वो गुस्से में विराज की तरफ बढ़ती है और उसका कॉलर पकड़ कर कहती है, मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगी कहाँ है गौरव। विराज थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, तुम जानती हो ना तुम्हारी इस बदतमीजी का क्या अंजाम हो सकता है। अंतरा विराज की आंखों में देखते हुए कहती है, जानती हूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छे से समझ जाओ, ना मुझे तुमसे डर लगता है और ना ही मरने से। तुम दूसरों को तकलीफ देकर डरा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अंतरा की बात पूरी होते ही विराज उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। अंतरा ने विराज से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। विराज के इस मूव से वो हैरान रह जाती है। विराज और अंतरा एक दूसरे के बहुत करीब थे। अंतरा हैरानी से आंखें फाड़कर विराज को देख रही थी। विराज अंतरा के चेहरे के और करीब आकर कहता है, मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा, मेरे पास तुम्हें डराने के और भी तरीके हैं। ये कहते हुए विराज की सांसें अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अंतरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। विराज की पकड़ में अंतरा छटपटा रही थी। वो विराज से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वैसे तो अंतरा बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन विराज के सामने उसकी स्ट्रेंथ कभी टिक नहीं पाती थी। अंतरा गुस्से में विराज से कहती है, तुम किसी भी तरह से मुझे डरा नहीं सकते। अंतरा का जवाब सुनकर विराज अपना हाथ उसके चेहरे तक लाता है और अपना हाथ उसके चेहरे पर फिराते हुए कहता है, अगर तुम डर नहीं रही हो तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम शर्मा रही हो? विराज का सवाल सुनकर अंतरा और भी ज्यादा हड़बड़ा जाती है। वो विराज के सीने को धक्का देकर उसे पीछे करने की कोशिश करने लगती है। जैसे जैसे अंतरा विराज को पीछे धकेल रही थी, विराज उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके और करीब आ रहा था। विराज अंतरा को स्ट्रगल करते देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
अंतरा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे के लाल होने की यही एक वजह नहीं थी। विराज आगे कहता है, क्या हुआ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अंतरा चिढ़कर कहती है, छोड़ मुझे। पता नहीं क्यों, लेकिन अंतरा के लिए विराज को रेजिस्ट कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। वो विराज की गहरी आंखों को ज्यादा देर तक देख नहीं पा रही थी। अंतरा को अब कुछ ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसने विराज के अलावा और किसी के साथ महसूस नहीं किया था। विराज अंतरा से कहता है, अरे तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तो छूट जाओ। विराज के ऐसा कहने पर अंतरा अपना हाथ चुपके से अपने पीछे ले जाती है और विराज की आंखों में देखते हुए अपनी कलाई घुमाने लगती है। अंतरा विराज का ध्यान भटकाने के लिए उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ ही पलों में अंतरा के उस हाथ के चारों तरफ काला धुआं जैसा कुछ आ जाता है। ऐसा होते ही अंतरा की आंखों में चमक आ जाती है। विराज भी खामोशी से एक टक अंतरा की आंखों में ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतरा को देखते हुए सब कुछ भूल गया है। जैसे ही अंतरा अपना हाथ घुमाकर छटकने वाली होती है, विराज अपना हाथ अंतरा के पीछे ले जाकर उसे पकड़ लेता है। अब अंतरा फिर से चौंक जाती है। विराज अंतरा का हाथ सामने ले आता है और उसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये आइडिया मुझ पर काम करेगा? विराज अंतरा की बेचैनी और उसकी बढ़ती धड़कनों को साफ महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरा को परेशान करने में उसे मजा आ रहा है। वहीं अंतरा विराज से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देख रही थी। उसका गोरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। सिर्फ विराज ही था जो अंतरा को इतने वक्त तक अपने करीब रख पाया था। अंतरा इरिटेट होकर कहती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? ये सुनकर विराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। विराज कहता है, फिलहाल तो बस एक सॉरी, बाकी का बाद में देखेंगे। अंतरा विराज को घूर कर कहती है, क्या? विराज जवाब देता है, अपने इस बिहेवियर के लिए मुझसे माफी मांगो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। अंतरा विराज को गुस्से में देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। विराज हल्की स्माइल के साथ कहता है, खुद को बेवकूफ मत बनाओ, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। अंतरा कंफ्यूज होकर विराज को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज ने उसके मन की बात कैसे सुन ली। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, ओके फाइन, आई एम सॉरी। अंतरा के ऐसा कहते ही विराज उसकी कमर से अपना हाथ हटाकर दो कदम पीछे हो जाता है और कहता है, अगली बार इतनी आसानी से नहीं बच पाओगी, याद रहे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंतरा खुद को संभालते हुए कहती है, गौरव कहाँ है और तुमने समर सिंह की वो हालत क्यों की? विराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, लगता है तुमने आज की सबसे बड़ी न्यूज नहीं देखी है। अंतरा को विराज की बातें समझ नहीं आती। वो सवालिया नजरों से विराज को देखने लगती है। विराज बिना कुछ कहे डेस्क से रिमोट उठाता है और टीवी ऑन कर देता है। अंतरा टीवी की तरफ देखती है। टीवी में एक न्यूज चल रही थी। उस न्यूज को देखकर अंतरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि न्यूज चैनल में किसी की डेड बॉडी दिखाई जा रही थी। उस बॉडी का चेहरा ब्लर कर दिया गया था। अंतरा हैरानी से एक बार टीवी को देखती है तो एक बार विराज को। विराज बिना किसी भाव के अंतरा को देख रहा था। अंतरा इस वक्त शॉक्ड थी। कुछ देर बाद अंतरा होश में आती है और विराज से कहती है, क्या ये तुमने किया है? विराज कहता है, तुम्हें क्या लगता है? अंतरा हकलाते हुए कहती है, लेकिन कब, मेरा मतलब कहां, मतलब। अंतरा समझ नहीं पा रही थी कि वो विराज से एग्जैक्टली क्या पूछे। अंतरा खुद को संभालते हुए कहती है, इसका मरना नामुमकिन है, ये फिर से एक जरिया ढूंढ लेगा। विराज बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। अंतरा बौखलाहट के साथ कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? ये सुनकर विराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अंतरा के करीब जाता है और अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर धीमी आवाज में कहता है, द गेम इज ऑन। ये कहते हुए विराज की सांसें अंतरा के कान और गर्दन पर पड़ती है। ऐसा होते ही अंतरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विराज एक नजर अंतरा के नर्वस चेहरे को देखता है और फिर ऑफिस से बाहर चला जाता है। अंतरा वहां खड़े हैरानी से टीवी को देख रही थी। न्यूज चैनल में जिसकी लाश दिख रही थी उसका चेहरा भले ही ब्लर कर दिया गया था, लेकिन अंतरा जानती थी कि वो बॉडी निकुंज की है। अंतरा अपने ख्यालों में ही खोई थी, तभी उसका मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज से अंतरा का ध्यान टूटता है। अंतरा कॉल रिसीव करके कहती है, हेलो। कुछ देर फोन पर बात सुनने के बाद अंतरा कहती है, हमने उसे कम समझ लिया था, हम वो हमसे भी आगे निकल गया है। ये कहकर अंतरा कॉल कट कर देती है।
इधर ऑफिस से निकलता हुआ विराज अपने कान से ब्लूटूथ निकाल कर कहता है, तुमने गलत कहा, मैं आगे नहीं निकला, मैं हमेशा से आगे ही था। विराज आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने एक फाइल लेकर आशीष आ जाता है। उसे कुछ पेपर्स पर विराज के साइन चाहिए थे। विराज उन पेपर्स पर साइन करके आशीष से कहता है, रियान सिंघानिया के साथ एक मीटिंग अरेंज करो। ये कहकर विराज वहाँ से चला जाता है। इधर एसपी समर सिंह हॉस्पिटल रूम में अपने बेड पर लेटा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहाँ चोट या प्लास्टर नहीं लगा हो। उसके रूम की टीवी ऑन थी जिसमें वही न्यूज चल रही थी। उस न्यूज को देखते हुए समर गुस्सा और हैरान दोनों था। समर अपनी पूरी ताकत लगाकर साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल करके कहता है, हम गलत थे, विराज दीवान को संभलने में वक्त नहीं लगा, उसने निकुंज को मार दिया है। दूसरी तरफ यामिनी भी एक काउच पर बैठी थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और वो मोबाइल में वही न्यूज देख रही थी। न्यूज देखते हुए यामिनी की आंखें भी गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अपना फोन जोर से जमीन पर पटक देती है और कहती है, बहुत देर हो चुकी है, अब रियांज को विराज के सामने खड़ा करना ही होगा। रियांज शॉवर लेने के बाद अपने बेडरूम में आता है। उसने इस वक्त लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे। अनजाने में ही रियांज के चेहरे पर एक स्माइल थी। रियांज कुछ देर पहले उसके और श्रेया के मोमेंट को याद कर रहा था। श्रेया का आगे से उसे हक करना रियांज को एक अलग ही एहसास दे रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। रियांज फोन उठाकर सीरियस टोन में कहता है, क्या हुआ? मोबाइल से एक लड़के की आवाज आती है, आज फिर से फिशिंग वेल के पास तीन लोगों की लाशें मिली हैं। ये सुनकर रियांज की पकड़ उसके मोबाइल पर मजबूत हो जाती है। उसे समझ आ रहा था कि सिचुएशन अब और भी बदतर होती जा रही है। रियांज कहता है, और कोई बात? वो लड़का कहता है, सर शहर में एक और लाश मिली है, लेकिन ये फिशिंग वेल वाली लाश से अलग है। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। रियांज कॉल कट करता है और अगले ही पल उसके मोबाइल में न्यूज चैनल का वही वीडियो प्ले होने लगता है। उस लाश को देखकर रियांश भी समझ जाता है कि वो निकुंज की लाश है। उस पूरे वीडियो को देखते हुए रियांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वीडियो पूरा होने के बाद रियांश कुछ सोचते हुए कहता है, विराज दीवान। रियांश के ऐसा कहते ही उसके मोबाइल में मनीष का कॉल आता है। रियांश के कॉल रिसीव करते ही मनीष कहता है, सर विराज दीवान आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कुछ देर रुक कर रियांश कहता है, ठीक है, आज शाम 5 बजे मेरे ऑफिस में। मनीष थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, सर वो एक अनऑफिशियल मीटिंग चाहते हैं। रियांश क्यूरियस होकर कहता है, कहाँ? मोबाइल से मनीष की आवाज आती है, सर वो आपसे आज शाम 5 बजे पार्क में मिलना चाहते हैं। ये कहते हुए मनीष काफी कंफ्यूज लग रहा था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि विराज ने रियांश को किसी पार्क में क्यों बुलाया है। रियांश बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। शाम के 4:30 बजे थे। विराज की कार शहर के एक बड़े से पार्क के बाहर आकर रुकती है। विराज बिना आसपास देखे पार्क के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी घड़ी देखता है। इसके बाद विराज उस खूबसूरत से पार्क को देखने लगता है। विराज क्या डिस्कस करना चाहता है रियांश से? क्या होने वाला है इस कहानी में इंटरेस्टिंग? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।